कहां पर इलेक्ट्रिक पोल गिरने से हुई 3 बच्चों की मौत, यूपी के संभल में क्यों हुआ दो पक्षों में खूनी संघर्ष और असम राइफल्स ने कहां से बरामद की तस्करी की लकड़ी। राज्यों से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इलेक्ट्रॉनिक पोल्स के नीचे दबने से हुए हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। अनियंत्रित होकर कई पोल्स एक के बाद एक बच्चों के ऊपर गिरने से हादसा हुआ। हादसे की खबर से मृत बच्चों के परिजनों में कोहराम मच गया है। लोगों ने हादसे के लिए रेलवे की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उत्तर प्रदेश के संभल में मुखबिरी को लेकर दो पक्षों में हुई खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ओर से जमकर फायरिंग और पत्थरबाजी की गई। हरियाणा से दबिश देने पुलिस कांधला थाना क्षेत्र के इस्लामपुर घसौली गाँव में आई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में हाईवे पर गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि 3 युवकों ने जंगल में ले जाकर उसके पति के सामने ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने एदमादपुर थाने में 2 नामजद और 1 युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दपोली में कस्टम विभाग ने गौमांस ले जाने के आरोप में एक गाड़ी को पकड़ा है जिसमें करीब 250 किलोग्राम मांस बरामद किया गया है। इसके अलावा कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मंडलगढ़ पुलिस मामले में आगे की जाँच कर रही है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के यूपी आने से पहले ही मऊ में उसके गिरोह के सदस्यों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कई गंभीर मुकदमों के आरोपी सुरेश सिंह के रिश्तेदार के नाम से चल रही ईट भट्टे को SDM घोसी के आदेश पर सील कर दिया गया है। पुलिस अब तक के आरोपी की करीब 5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। असम राइफल्स के जवानों ने मणिपुर के अखरूल में भारी तादाद में तस्करी कर ले जा रही लकड़ी को पकड़ा है। पकड़ी गई लकड़ी की कीमत करीब 96 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद किए गए सारे सामान को संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बिजली का तार टूटने की वजह से खेत में भीषण आग लग गई। आग की वजह से गेहूं की कई बीघा फसल जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बेबस किसान अपनी जलती फसल को देख रोते नजर आए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में गलबाबा के नाम से एक मशहूर जगह है। मान्यता है कि यहां आकर कुपोषित शख्स अगर जमीन से 25 फीट ऊपर लटक कर मन्नत मांगता है तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। मन्नत पूरी होने पर एक बेजुबान की बलि दी जाती है। कुछ इसे आस्था तो कुछ इसे अंधविश्वास मानते हैं। हैदराबाद में एक नेत्रहीन महिला मिलन सिंघवी ने दिव्यांगों के लिए एक ऑनलाइन रेडियो प्लेटफॉर्म बनाया है। मिलन के मुताबिक रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के 119 से ज्यादा देशों में सुना जा रहा है। यह न केवल मनोरंजन बल्कि आवश्यक जानकारी के लिए भी लोगों की मदद करता है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।